किसी के दुख में सलाह नहीं, साथ दीजिए। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको वृषभ लग्न वालों के लिए 2021 के साल का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। वृषभ लग्न वाले बहुत मेहनती होते हैं, ये अपना भाग्य खुद लिखते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं। ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं, इसलिए इनको सक्सेस मिलती है। एक बार जो सोच लिया वो करके ही छोड़ते हैं। नियमों पर विश्वास रखते हैं, कोई भी इन पर भरोसा कर सकता है। ये लोग बहुत शांति प्रिय होते हैं। ये लोग कभी किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन जब कोई इनका नाम लेता है तो ये लोग उसको छोड़ते नहीं। इनको ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं आता। भोले दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ये लोग भोले होते नहीं। ये सब वृषभ लग्न वालों की अच्छी बातें थी। अब आपकी कमियां मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहां पर 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहां 2 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। बिजनेस के तौर पर देखें तो साल के शुरुआत में, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में, उसके बाद साल के अंत में सितंबर, अगस्त और नवंबर, आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। साल के बीच का समय, मतलब कि मई, जून और आखिर में दिसंबर में आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बिजनेस के लिए ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी करने वालों को फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपको प्रमोशन हो सकता है। अप्रैल, मई और जून में आपकी चिंताएं बढ़ जाएगी, क्योंकि नौकरी में प्रमोशन मिलेगा तो साथ में जवाबदारियां भी मिलेगी, तो आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ जाएगा और अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ आपके रिलेशन भी थोड़े खराब हो सकते हैं। अप्रैल, मई और जून के अंदर आपके परिवार में वाद विवाद भी हो सकता है। जून के बाद ये वाद विवाद थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। अगर आप शादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे और शादी करने जा रहे हैं तो कुंडली को मैच अवश्य करवा लें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। जून के बाद आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। साल के शुरुआत में स्टूडेंट के लिए चिंताएं बढ़ सकती है, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग शराब या किसी और चीज़ का नशा करते हैं, उनको 10 जून से लेकर 10 अगस्त के दौरान प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। 6 सितंबर से लेकर साल के अंत तक कोई भी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। मौज मस्ती के पीछे भी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं, तो साल की शुरुआत में शुक्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो 14 फरवरी से 20 अप्रैल तक शुक्र अस्त हो जाएंगे। उस समय आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, आपके काम में रुकावटें भी आएगी। साल की शुरुआत से लेकर 28 जनवरी तक आपको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, इस वजह से आपको मानसिक अशांति भी मिलेगी। इस साल में आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। 21 फरवरी से 9 अप्रैल के दौरान शुक्र उच्च के हो जाएंगे, तभी आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। 10 अप्रैल से 3 मई के दौरान आपके परिवार में किसी सदस्य के पीछे खर्चे बढ़ जाएंगे, आपके परिवार में किसी सदस्य की हेल्थ भी खराब हो सकती है। बुध साल में 3 बार वक्री होते हैं। बुध जैसे ही 10वें और 11वें भाव में आएंगे तब आपको लाभ करवाएंगे। 5वें भाव कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाएंगे। बुध 30 जनवरी से 20 फरवरी, 29 मई से 22 जून और 27 सितंबर से 28 अक्टूबर वक्री हो जाएंगे। तो बुध हमें बुद्धि देते हैं, स्पीच कम्युनिकेशन देते हैं, बिजनेस देते हैं, तो बुध जब वक्री होते हैं तब इन सब बातों में प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी के दिन बुध आपके लिए लाभदायी रहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया और फैशनेबल बिजनेस करने वालों के लिए बुध आपको फायदा ही करवाएंगे। गुरु आपके 9वें भाव में शनि के साथ बैठे हैं। वृषभ लग्न के लिए गुरु वैसे अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। मई और जून महीने में गुरु 10वें भाव में आएंगे,
तब गुरु आपको फायदा करवाएंगे। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे वो 20 नवंबर 2020 से लेकर 5 अप्रैल 2021 के दौरान विदेश भी जा सकते हैं। सूर्य 15 मई से 15 जून तक राहु के साथ आ जाएंगे, तब राहु सूर्य को ग्रहण लगा देंगे, तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपमानजनक स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। 11 अगस्त से 23 नवंबर तक मंगल अस्त हो जाएंगे, तब पति पत्नी के रिलेशन में या फिर बिजनेस पार्टनर के रिलेशन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। 2 जून से 20 जुलाई और 10 अगस्त से 20 नवंबर के दौरान मंगल नीच के हो जाएंगे, तब आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। मई से अक्टूबर के महीने के दौरान शनि वक्री हो जाएंगे, तो तब आपको नौकरी में या फिर बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। 8 जनवरी से 13 फरवरी के दौरान शनि अस्त हो जाएंगे और 23 मई से 11 अक्टूबर के दौरान शनि वक्री हो जाएंगे। 10 फरवरी को मकर राशि में 6 ग्रह साथ में आ जाएंगे। मकर राशि आपके नवम भाव में आती है, तो इस बात का असर सब लोगों पर पड़ेगा, आपको इस दिन थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 2021 में 2 ग्रहण होने वाले हैं, 26 मई को चंद्र ग्रहण और 10 जून को सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण इंडिया में नहीं दिखने वाला। शुक्रवार को लक्ष्मी माता की और दुर्गा माँ की पूजा करें, पक्षियों को दाना खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, इन सब बातों से आपको लाभ होगा। तो ये था वृषभ लग्न वालों के लिए 2021 का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।